हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे क्राफ्ट्स क्राफ्टिंग विद एजे। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार मैंने कैसे सजाया अपने घर के मंदिर को माता के चरण कमलों का श्रृंगार करके। तो आइए देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं मिट्टी के बने हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारे और सुंदर देवी माँ के चरण। ये मैंने एक रोड साइड वेंडर से ख़रीदे हैं। इन पर मैं रेड नेल पेंट लगा रही हूँ और जो स्वास्तिक बना है उसे भी रेड पेंट कर रही हूँ। मैं इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखूँगी, बट अगर आप चाहें तो आप इस पर जो आप पायल और डिज़ाइन देख सकते हैं, फ्लावर्स देख सकते हैं, उस पर कलर कर सकते हैं। नेल पेंट और स्वास्तिक को रेड करने के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारी से सुंदर एक प्लेट ली और उसमें फ्लावर्स यूज़ करके उसे कवर कर दिया। फ्लावर्स, अगर मेरे पास बहुत कम फ्लावर्स थे इसलिए मैंने उन्हें तोड़कर उसके पेटल्स को यूज़ किया एज अ बेस, जिन पर मैं इन चरणों को रखने वाली हूँ। तो ऐसे मैंने इसे पूरी प्लेट को फ्लावर्स से भर दिया। और उसके बाद चांदी की पायल लेकर मैंने इन चरण कमलों पर वो पायल डाल दी। और देखिए, इतने सिंपल से DIY से ये कितने सुंदर लग रहे हैं। साथ में मैंने एक दिया इनके आगे रख दिया जिससे कि ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और माता के चरणों की हम पूजा करने वाले हैं। तो देखिए कितना सिंपल और इजी DIY था। और ऐसे जो चरण हैं आपको दिवाली के मौके पर मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।